तो आज हमारे साथ में है केरियम का सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट वाला इंजन, सबसे कम जिसकी पावर है केरियम ड्यूक 125। ये मॉडल है मतलब यानी कि 2022 का। तो इस वाली ड्यूक को केटीएम ने इसलिए बनाया था, मतलब जो इसकी जो प्राइसियर साइड पे जो बाइक्स आती थी, जैसे केटीएम ड्यूक वन यानी 200 हो गई, आरसी 200 हो गई, जो लोग उस बाइक को यानी अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो लोग इस बाइक की तरफ जाएंगे। इसका प्राइस थोड़ा सा कम है, ये सबसे यानी कि कम प्राइस वाली बाइक भी है केटीएम की। और इसका इंजन डिस्प्लेसमेंट 125 सीसी का है, तो उसी के साथ में इसमें एवरेज भी अच्छा रहता है, तो ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। अब उसी के साथ इसका अगर इंजन की बात करें तो इसका इंजन जो है वो पावर निकाल के देता है 14.5 PS का पावर 9,250 RPM पे। एंड इसके टॉर्क की बात करें तो 12 Nm का टॉर्क है 8,000 RPM पे। एंड ये इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में फर्स्ट बाइक है 125 cc में जिसमें रेडिएटर आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके साथ में। इसका जो इंजन है वो है यानी कि DOHC लिक्विड कूल्ड इंजन है, इसलिए इसमें रेडिएटर भी मिलता है। उसी के साथ अगर बात की जाए इसके चेन स्पॉकेट के, तो ओपन चेन सिस्टम है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंड मोनोशॉक सस्पेंशन है, आगे में USD आते हैं, पीछे में मोनोशॉक सस्पेंशन है जैसे कि ये देख सकते हैं आप। बात की जाए इसके टायर की एंड अलॉय की, तो इसमें आता है मतलब 17 इंच का अलॉय आता है। एंड द टायर सेक्शन मतलब यानी कि सेम ही है, 390 तक जो भी आते हैं जितने भी आते हैं इसके टायर सेक्शन सेम होते हैं। सामने में 110 का है एंड पीछे में 150/60 R17 है। एंड अगर हम देखें बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस, वैसे ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है बाइक का, 155 Nm का मतलब 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसमें। और ये बैचलेट जो है ये है मतलब यानी प्लास्टिक ही है, और इसको बचाने के लिए मतलब देखा जाए तो ये एक यानी कि सेफ्टी टाइप प्रोटेक्शन टाइप मिलता है इसमें। और बात की जाए इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, तो ब्रेकिंग सिस्टम तो हम बात कर रहे थे इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, तो इसमें यानी कि सिंगल चैनल ABS आता है, पीछे में RLP मिलता है। एंड ये बाइक आती है मतलब अपना 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ में। अब हम लोग अगर बात कर ले इसकी फ्यूल मतलब यानी कि फ्यूल टैंक के बारे में, तो पहले के मुकाबले फ्यूल टैंक इसमें बड़ा दे दिया गया है। इस बार इसमें 13.4 लीटर का फ्यूल टैंक दे दिया है जो कि काफ़ी बड़ा है। और यानी कि अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यानी कि जैसे अगर हम चलते हैं तो हमारी रेंज को बढ़ा देता है। पहले 9.5 लीटर का ही था जो पुराना वाला मॉडल आता था इसमें, तो अभी यानी कि रेंज काफ़ी बढ़ गई है। बात करें अपन अगर इसके लुक्स के ऊपर, तो नो डाउट ये 390 को मतलब यानी कि मतलब 390 से ही इंस्पायर्ड बनाया गया है। 390 वैसे 1290 से इंस्पायर्ड है और ये 390 से इंस्पायर्ड है। बाकी इसके लुक्स के मामले में इसको कोई बीट तो वैसे कर नहीं सकता, बस थोड़ी सी पावर कम दे दी इसलिए थोड़ी सी अंडर पावर फील होती है चलाने के टाइम पे। मतलब जैसे कि अगर अपन अदर बाइक्स चलाते हैं, जैसे मेरे पास RC 200 है और इसको मैं चलाता हूँ, तो थोड़ी सी अंडर पावर फील होती है बाइक। अब हम बात करें इसकी लाइट सेटअप का, तो हेलोजन लाइट देते हैं इसमें। ये DRLs है मतलब यानी कि ये LED है, बट जो यानी कि मेन हेडलाइट है वो अपना हेलोजन है। बाकी अगर देखा जाए तो टर्न सिग्नल सब कुछ LED, बाकी सिर्फ इसी हेडलाइट को छोड़ के बाकी सब कुछ LED है। बाकी दिक्कत किसी नहीं। और सीट की बात की जाए तो स्प्लिट सीट सिस्टम है, मतलब यानी कि इसमें स्प्लिट में कोई नहीं, कंफर्ट एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्ट भी अच्छा खासा, कुशनिंग भी मतलब काफ़ी अच्छी है। एंड जो की है इस बाइक की कुछ इस तरीके से वेव की आती है इसमें, और ये की भी काफ़ी ज़्यादा मतलब यानी कि पहले से चलती आई है। अब सीधा आ जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो यहाँ पे मतलब अगर देखा जाए तो अब आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, और ये देखा जाए तो यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर, ऑडोमीटर, अपना सब कुछ है, मतलब सब कुछ डिजिटल ही है। यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें दी जाती हैं, जैसे ये फ्यूल गेज इंडिकेशन, ये अपना टेम्परेचर का, ये गियर हो गया, ये RPM ऊपर में है, एंड ये जो बीच में है काफ़ी चीज़ें पता, जैसे साइड स्टैंड डाउन हो गया, ये अपना ABS का लाइट हो गया, ये अपनी इंजन चेक लाइट हो गई, न्यूट्रल, सब कुछ मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। और ये दो बटन आते हैं मोड एंड सेट के। स्विच गियर क्वालिटी देखी जाए तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब यानी गाड़ी की पैनल्स की क्वालिटी बोली जाए या फिर किसी भी चीज़ को बोले, नो डाउट टॉप नॉच आती है इसमें।
ऑल ओवर लुक्स की भी बात की जाए तो बाइक मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी मस्त है, मतलब जो कॉलेज जाते हैं अभी के टाइम पे, जैसे मैं भी हूँ, मेरे लिए भी मतलब अच्छी बाइक है। एंड देखा जाए मेरे पास वैसे कीटी मासी 200 ही है, तो ये भी बाइक काफ़ी अच्छी है, जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग ले सकते हैं, मतलब जिनका प्राइस मतलब जिनका बजट ज़्यादा नहीं है वो लोग ले सकते हैं इस बाइक को। जैसे ये आती है 2,09,000 के ऑन रोड आ जाती है, तो अच्छी बाइक है, बस थोड़ा सा पावर में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है सभी को। तो आप लोग मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।